गाइस वेलकम बैक टू द क्रेजी नेल व्लॉग्स एंड गाइस आई होप हम लोगों की तरह आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो अलीगढ़ की ऑडियंस देखिए, आपने हाईली रिकमेंड किया था कि मैम छाप की छाप पर जाइए, ऑडियंस बोले और मैं वो ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। आपकी हाईली रिकमेंडेशन पे आज मैं आ गई हूँ छाप की छाप। सबसे पहले एक बार लोकेशन बताती हूँ, आप ये मेरे पीछे देखिए OLF देख सकते हैं, आवर लेडी फातिमा स्कूल है, इसके जस्ट सामने लगता है हमारा छाप की छाप। देखिए कुछ इस तरीके का आउटलेट है। ये अब मैं सीधे इस स्टॉल के ओनर के पास आ चुकी हूँ, मैं आपको सीधा उनके पास लेके चलती हूँ और इस स्टॉल के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। हेलो भैया, बोलिए भैया, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉल लगाते हुए? एक साल हो गया। एक साल हो गया, और भैया यहाँ पे सबसे फेमस क्या है? तावा चाप, सिक्किम में चाप है फेमस। अच्छा, और देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्योर वेज स्टॉल है ये हमारा। और भैया यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होती है वो कौन सी चाप होती है? मलाई चाप। मलाई चाप कितना प्राइस है उसका? उसका है 90 है। ओके, तो गाइस आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, बाकी प्राइस मैं आपको पूरा मेन्यू में एक्सप्लोर कराऊंगी। अभी कौन सी चाप प्रिपेयर हो रही है? ये पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला। भैया ये क्या किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है? ये अफगानी चाप है। अफगानी चाप है, ओके। करने के बाद छाप की, जैसे कि आपने देखा तंदूर से निकल के सीधा कट हुई, उसके बाद भाई ने फ्राई पैन में डाली। नेक्स्ट स्टेप में भाई ये क्या डाल रहे हैं आप? बटर। सब बटर है ये, अमूल बटर। देखिए अमूल बटर है, और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमूल की ही क्रीम है, सारे प्रोडक्ट अमूल के यूज किए जा रहे हैं। ये कौन सा मसाला है भाई? ओके, अफगानी चाप का प्राइस कितना है भैया? मैम हाफ प्लेट 80 और फुल प्लेट 150। तो देखिए हाफ प्लेट है हमारी 80 रुपए की, फुल प्लेट है हमारी 150 रुपए की, और बाकी आप लोग प्रिपरेशन देखते जाइए। उधर साइड देखिए रुमाली रोटी भी तैयार करी जाती है, और यहाँ के रोल्स बहुत फेमस है अलीगढ़ में। ये फुल प्लेट है, हाफ प्लेट है? फुल प्लेट है। और देखिए क्वांटिटी बहुत इनफ है, आई थिंक दो लोगों के लिए तो बहुत सफिशियंट है इतनी क्वांटिटी। अब देखिए इन्होंने सब कुछ मिक्स करने के बाद दोबारा तंदूर में भाई ले आए हैं हमारी चाप को। भाई मतलब इस तंदूर में रखने से अब मतलब आपने क्यों रखा है इसे यहाँ पे? मैम इसे गर्म करने के लिए, और ये जो सभी मटेरियल है ये अच्छे से बाइंड हो जाए इसमें। तो देखिए आप लोग यार बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे अच्छे से ये चाप के साथ बाइंड हो जाए सारे मसाले क्रीम बटर, इसलिए उन्होंने दोबारा तंदूर में रखा है। उधर ये रुमाली रोटी आप लोग देख ही सकते हैं। ये पनीर टिक्का है, ये मलाई चाप है, इधर ये अचारी चाप है, ये मसाला चाप है। ये देखिए गाइस अचारी चाप है और ये मसाला चाप है, और ये अफगानी चाप है। और देखिए अलीगढ़ में इतनी फेमस है, इतनी रिकमेंडेशन आई है
तो मुझे यहाँ पे आना ही पड़ गया। और देखिए यहाँ के रोल्स बहुत फेमस है। व्लॉगिंग की थीम है कि हम लोग कस्टमर रिव्यू जरूर लेते हैं, हमारे पास रिकमेंडेशन आई है तो यार रिव्यू लेना तो बनता ही है। यहाँ पे भैया है, हेलो भैया। भैया आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो चलिए हमारा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है और भैया का यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम है, तो ये रिव्यू तो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। तो भैया आपने क्या ऑर्डर किया है? तो देखिए भाई ने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला विद रुमाली रोटी। तो भाई अगर अब मैं पूछूं कि आपको कैसी लगी? बहुत सही है, बहुत अच्छा। सही है। 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 9 out of 10। और भाई आप? पूरा 10 out of 10। 10 out of 10। अच्छा, इनके मसाले कैसे हैं? मतलब जैसे कि बहुत तेज होते हैं आप मसाले? मीडियम है और बाकी सुपीरियर है। और हाँ, देखने में भी आप इधर देखिए यार, मतलब भैया ना बटर इतना भर भर के डाल रहे हैं तो यार क्यों अच्छा नहीं होगा। कि अब मैं अपने लिए पनीर टिक्का रोल लगवा रही हूँ। प्रिपरेशन आप लोग देखिए कैसे होते हैं। देखिए पहले स्टेप में भैया इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा तंदूर में जाता है ये 1 मिनट के लिए, और एक रोल में 3 पीस होते हैं। तो देखिए 3 पीस होते हैं पनीर के एक रोल में, और पीसेस यार बहुत बड़े बड़े हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए तंदूर से निकलने के बाद जैसे कि हमारे अफगानी चाप को काटा गया था, सेम उसी तरीके से देखिए प्रिपेयर की जा रहा है हमारा रोल। तो देखिए बटर डाल दिया। अब भाई ने जैसे कि पहले मसाले डाले थे चिली मिर्च और ये चाट मसाला, अब ये चटनी डाल दी है, मिंट चटनी है ये हमारी। उसके बाद प्याज, देखिए यहाँ पे कटिंग के बाद इसको ये अच्छे से बाइंड हो जाए मसाला जितना भी इन्होंने डाला है इसमें। दोबारा से हम लोग तंदूर पे ले आए हैं इसे। तंदूर से जस्ट निकलने के बाद रोल हमारा आ गया है यहाँ पे, सॉरी बैटर हमारा यहाँ पे आ गया है। भाई ने रोल के ऊपर सब कुछ अच्छे से फिक्स कर दिया है। देखिए गाइस, वैसे इसमें मेयोनीज डाली जाती है ऊपर, मुझे मेयोनीज अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने नहीं डलवाई है। देखिए हमारे रोल को कुछ इस तरीके से पैक कर दिया गया है। देखिए इस स्टेप पे आप लोगों को लग रहा होगा जिस तरीके से भैया ने पैक किया था कि हमें अब सर्व किया दिया जाएगा, नहीं यार अब ये तीसरी बार देखिए तंदूर में जा रहा है। भैया ये अब किस लिए रखा गया है तंदूर में? ये गरम करने के लिए थोड़ा। क्रेजिनेल फैमिली हीट करने के बाद यहाँ पे निकाल दिया गया। अब भैया कट करेंगे हमारे रोल को। तो देखिए फाइनली सर्व कर दिया गया है मुझे मेरा रोल। और देखिए पनीर टिक्का रोल यार देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, आप लोग देखिए। मतलब यार क्रेजिनेल फैमिली सच में दिल से सैल्यूट है। आप लोग ऐसी ऐसी जगह मुझे रिकमेंड करते हैं कि मैम चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि मेरी क्रेजिनेल फैमिली सच में बहुत जेन्युइन है। यहाँ पे आके मतलब मेरा आना वसूल हो गया। सर्विंग के लिए हमें ये भी दिया गया है साथ में प्याज, और इसके ऊपर मिंट चटनी डाली गई है। टेस्टिंग से पहले एक और चीज़, आप लोग का एक टारगेट है जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर करा दो। अलीगढ़ वालों यार वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और रिकमेंड करो नेक्स्ट व्लॉग किस पे आना चाहिए। चलिए टेस्टिंग की ओर चलते हैं।
तो गाइस देखिए यार, इससे पहले मैं अभी एक और ब्लॉग शूट करके आई हूँ। सच में मतलब पेट पूरा भरा हुआ है जहाँ पे मैं ब्लॉग शूट करके आई हूँ। अभी इससे पहले वही वाला ब्लॉग आएगा, तो आप चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, बहुत ही अच्छा ब्लॉग शूट करके आए हैं हम लोग। तो देखिए मैंने अपना यार रोल पैक करा लिया है, सच में मतलब यार पेट पूरा भरा हुआ है, खाया नहीं जाएगा, बट घर जाके मैं इसका टेस्ट मतलब ज़रूर बताऊँगी, रिव्यू ज़रूर दूँगी कि कैसा है। बाकी सच में यहाँ से मैंने लोगों से पूछा है इस रोल के बारे में, पूरी रेटिंग 10 out of 10 दी है। और अभी चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी क्रेजीनेल फैमिली को ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे रिकमेंड करते रहिए कि मैम नेक्स्ट व्लॉग किस पे आना चाहिए, और कमेंट लिख दीजिए जिन भी लोगों को चाप पसंद है। एक बार यार देख लो यार दोबारा से चाप को फैमिली। इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। आई होप व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अलीगढ़ वालों कसम है तुम्हें, अलीगढ़ की कचौड़ियों की चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस लाल बटन को जल्दी से ग्रे कर दो। और चलिए मिलती हूँ मैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन देखते ही रहिए क्रेजी नेल व्लॉग्स। एंड में वही मेरी टैगलाइन, सलामत रहे साड़ी यारियां, बाय बाय। हाँ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, कमेंट कर दो जिन भी लोगों को चाप पसंद है और पनीर टिक्का पसंद है।